नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंडिक में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हमारे वेंटो के हेडलाइट में ये जो जेनॉन के प्रोजेक्टर लेंस के साथ आते हैं वो लगाने वाले हैं, और इसके साथ ही DRL भी लगाने वाले हैं। इसमें टर्न सिग्नल का फ्लो ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले हमारी पुरानी लाइट देख लीजिए, लाइट हमें निकालनी होगी, ये कांच निकालनी होगी, इसके बाद अंदर ये सब फिटिंग होने वाला है। तो ये जो DRL है एकदम एडवांस है, और इसके बाद ये जेनॉन है ये भी एकदम एडवांस है। इसके साथ बहुत सी वायरिंग वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्टर दिखाता हूँ, सॉरी ये DRL दिखाता हूँ। ये देखो, ये DRL है हमारा, और ये DRL के साथ ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर DRL के साथ ही है, क्योंकि DRL में क्या है, टर्न सिग्नल का भी ऑप्शन है। जब हम टर्न सिग्नल लगाते हैं कि तो फ्लो में ये रन होता है, और इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा है। ये क्या है, ये हमारा DRL कंट्रोलर या फिर वोल्टेज आइडेंटिफायर है। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपको बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव वायर देने हैं तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्या है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बैटरी भी चार्ज होती है, और बैटरी जब चार्ज होती है तो इसका वोल्टेज है 13 वोल्ट के आगे जाता है। जब इसका वोल्टेज 13 वोल्ट के आगे जाएगा तो ऐटोमेटिकली हमारा DRL है वो काम करना चालू हो करेगा, ठीक है। और ये जो येलो वायर है ये हमें पार्किंग लाइट में देनी है, क्योंकि जब हमारी हेड लाइट या फिर पार्किंग लाइट चालू होगी तो इसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। तो ये जो सेट है ये हमारे प्रोजेक्टर का सेट है। ये देखो, ये प्रोजेक्टर अभी मैंने देखा है आपको, वो ये ऐसा आता है, इसके ऊपर एक कैप लगते है वो हमने लगा दिए, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये शटर होता है लो बीम हाई बीम के लिए, ये डायरेक्टली वर्क करता है ये ऐसा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्टर होता है ना, सिंगल लाइट आती है ना, इसके बाद ये वायरिंग है, इसके साथ ब्लास्टर वगैरह है, ठीक है। और ये हमारा HID है, HID या फिर जेनॉन जिसे कहते हैं वो है। इसके बाद ये सब इसके अटैचमेंट वगैरह है फिटिंग करने के लिए। ये और एक ब्लास्टर है, दो ब्लास्टर आते हैं इसमें, एक मेन वायरिंग आता है, ये सब इतना कुछ इसके साथ आ जाता है। और हमारे DRL, दो DRL है, DRL का कंट्रोलर दो है, और ये जो वोल्टेज आइडेंटिफायर है ये दो है। ये सब फिटिंग हमें अच्छे से करनी पड़ती है, ये सब फिटिंग है ये हेडलाइट के अंदर ही करेंगे हम, और ये करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडलाइट निकाल के लाता हूँ, और इसकी कांच जो निकालते हैं ना हम, उसका आपको इजी तरीका दिखाता हूँ। तो ये सब मैंने कहाँ से मंगाया और कितने कितने प्राइस है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम होता है वो हेडलाइट निकालना होता है, हेडलाइट की कांच निकालना, वो एकदम इजी तरीका मैं उसका दिखाता हूँ आपको। हेडलाइट हमने निकाल दी, और हेडलाइट का जो सीलिंग होता है या फिर ग्लास होती है वो निकालने के लिए क्या, हमें इसे हीट एयर गन या फिर हॉट एयर गन जैसे कहते हैं उसकी ज़रूरत रहती है। ये 1500 वाट की हॉट एयर गन है, तो 1500 वाट की हॉट एयर गन है, तकरीबन 15 मिनट आपको इसे बॉक्स में सहोल बनाना है, ठीक है। और ये देखो, ये हमारी हेडलाइट है जो हमने निकाली। तो अभी देखो, अभी हमने कनेक्शन लगाया है, और हमारी जो एयर गन है उसमें दो स्पीड है, सबसे कम स्पीड है एक, उस पर हम रखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, और थोड़ी दूर रखनी है, एकदम नज़दीक नहीं रखनी, नज़दीक रखोगे तो ग्लास पे ज़्यादा हीट आके ग्लास डैमेज हो सकते हैं, इसलिए लगभग एक फीट तक इसमें स्पेस होनी चाहिए। ये देखो, हॉट एयर गन से, ठीक है। अभी हम बॉक्स बंद कर देते हैं, और 15 मिनट बाद इसको खोलेंगे, और हमारी जो हेडलाइट है वो हम निकालेंगे। इतने पकड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा,
सब्सक्राइब करें मास्टर माइंडटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये देखो, ये अभी आपने जैसे देखा वैसे इजीली एकदम इसके हेडलाइट की ग्लास आ गई है। ठीक है, तो ये सीलर होता है, सीलेंट टार जैसा होता है, तो थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एकदम ये इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले अंदर ये जो देखो ये पानी जा रहा था, इसके पहले गया था तो अंदर दाग वगैरह है, वो ये इस कोलिन से हम साफ करके लेंगे। इसके अंदर भी ये दाग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये सबसे पहले कोलिन से मैं एकदम साफ कर लेता हूँ और इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्टर है ये लगाएंगे। ये फ्रेम है इसकी, ये भी मैंने निकाल दी। ये देखो, तो इधर हम इसका जो DRL है वो लगाएंगे, फेविक्विक से फिक्स कर देंगे। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ। तो अभी देखो, ये जो DRL है ये हमने चिपका दिया है। इधर नीचे एक IC होती है, उस पर एक फेविक्विक का स्पॉट लगा के ये इस तरह इधर चिपका दिया, जो हमारा सरफेस है एक फ्रेम का उसके ऊपर, और एकदम प्रॉपरली चिपक गया है। ये देखो, और इसमें जो तीन लाइट कह सकते हो, वो हमने कट कर दिए। ये कट करते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कट करने के बाद भी ये वर्क करता है। और जो हमारे कंट्रोलर थे, ये देखो, ये हमने खोल दिए अंदर से, और अंदर से सिर्फ PCB निकाला। ये देखो, ये दो PCB थे, दो कंट्रोलर के, एक तो DRL के साथ ही आता है और एक जो आता है ये ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए आता है, मतलब बैटरी का जो 13 वोल्ट के आगे वोल्टेज गया तो ऑटोमेटिक हमारा DRL ऑन होना चाहिए जब इंजन ऑन है, तो ये कंट्रोल होता है। दोनों बोर्ड हमने लगा दिए और डायरेक्टली वायर जो है वो लॉन्ग वायर थे, कट करके डायरेक्टली सोल्डर कर दिए। ये देखो, ये सोल्डरिंग गन वगैरह है इधर। ठीक है, और 2-way tape से ये चिपका दिए। इससे क्या है, जो हमारे अंदर की स्पेस है वो भी सेव हो गई और एकदम प्रॉपर फिटिंग हो गया। ये दिखेगा नहीं या फिर अंदर ऐसे मतलब हिलेगा नहीं, बजेगा नहीं, इसलिए ये हम लगाने वाले नहीं है। जो अंदर का मेन पार्ट होता है बोर्ड, वो लगा दिया। ठीक है, अभी मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो, हम वायर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पिनआउट से ये इजी है, इतना कुछ नहीं। ये एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। एक जो पॉजिटिव होता है वो पार्किंग में देना है लाइट डिम करने के लिए, और एक पॉजिटिव हमारे टर्न सिग्नल के में देना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ। ये देखो, ये DRL हमारी वर्क कर रही है। ये वायर पॉजिटिव दी मैंने तो डिम हो जाएगी। ये देखो, ये डिम हो गई। ठीक है, और इंडिकेटर दिखाता हूँ, ये लगा दी तो फ्लो होना चालू हो गया। देखो कितना मस्त दिख रहा है। अभी पूरा फिटिंग हो जाएगा ना तो एकदम मस्त दिखेगा इससे भी। तो अभी क्या है, हमारी जो प्रोजेक्टर की लेंस है या फिर HID की लेंस है वो लगने वाली है। तो इसमें ये देखो, ये एक रबर दिया होता है, ये रबर लगाना होता है। इसके बाद ये H4 बल्ब है, तो H4 का इधर का ये जो इसका ब्रैकेट है ये भी मिलता है। ठीक है, इसमें H1 का भी मिलता है, आपके कार में कौन से भी मतलब टाइप के हो उसी टाइप का परचेस करना होता है आपको। ठीक है, और लेंस में ये कैप है, ये हमने लगा दिया है। तो ये जो काम है तो वैसे थोड़े मेहनत का काम है और टाइम भी बहुत जाता है इसमें, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिखाऊंगा तो 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा, एकदम डीप में बताऊंगा। तो ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ जाएगी इसमें क्या क्या करना है। वैसे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं इसमें। तो इस पर टॉप लिखा होता है, ये हेडलाइट के जो ऊपर का भाग है उधर लगना है आपको। तो ये हमारी शटर की वायर मैं निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, और ये लगा देता हूँ। तो देखो, इधर से ये लग गया। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगेगा। और इस ब्रैकेट के लगने के बाद ये जो इसका नट टाइप दिया है, नट टाइप कैप दी है इसकी, ये आपको पकड़ से टाइट कर लेनी है। ठीक है, ये पकड़ से टाइट करेंगे तो एकदम जाम हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखो, हेडलाइट के जो कांच है या फिर अंदर का सब है वो कपड़े से हमने साफ़ किया और लगा दिया है, ताकि उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह आ गए थे हमारे, अभी एकदम प्रॉपर हो गई, कांच भी अंदर से साफ़ की। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बिठा दिए और ये रस्सी से बांध रखी है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें बॉक्स में फिर से 10-15 मिनट हमें रखना है। ये 10 या 15 मिनट रखते हो तो चलता है, पहले हमने 15 मिनट रखा था, 15 मिनट भी रखते हो या 10 मिनट रखते हो तो भी चलता है। ये 10 मिनट रखेंगे और 10 मिनट के बाद क्या करना है, हमें ये जो रस्सी है ना और टाइट करनी है। यार यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे घुमा के एकदम टाइट करनी है और सूखने तक वैसा ही रखना है हमें। इससे क्या है,
हमारी जो हेडलाइट की ग्लास है प्रॉपर टाइट हो जाएगी और पानी वगैरह जाने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं रखता हूँ जैसे पहले रखा था वैसे, अभी भी मैं 10 मिनट रखता हूँ। ठीक है, ये देखो 10 मिनट गर्म की, उसके बाद ये जो हमने डोर बांध देते वो ऐसे एकदम जाम करके ले लिए, ऐसे कुछ रॉड है या फिर टूल है, स्क्रू ड्राइवर है, ये डाल के हमें ये करना पड़ता है। ये देखो नीचे भी डाले, ये देखो इस तरह पूरा आपको ऐसा करके लेना होता है। ठीक है, तो ये अभी हो गया प्रॉपर, एकदम प्रॉपर बैठ गया। ये देखो ज़रा भी इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा तो पानी जाएगा अंदर। अभी देखो अभी पूरा कंपनी जैसा फिटिंग हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये देखो ये लॉक, मैंने ये लॉक अपने आप जगह पे आ गए, इसका मतलब है फिटिंग प्रॉपर हो गया। तो अभी ऐसा आधा घंटा सूखने देते हैं इसके बाद। तो ये देखो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है असेंबली, तो बल्ब लगा दिया हमने, इसके बाद जो ब्लास्टर वगैरह आता है इसका वो लगा दिया और प्रॉपरली बैठ गया। ये देखो टू वे टेप से हमने चिपका दिया, एकदम प्रॉपरली चिपक गया है। ठीक है, इसके बाद ये इसका वायरिंग है पूरा। ठीक है, तो इसमें ये पिन लगेगी बैटरी को, ठीक है, बैटरी निगेटिव को, ठीक है, या फिर अर्थ हम बॉडी को भी दे सकते हैं किधर भी। इसके बाद ये लगेगा हमारा ओरिजिनल जो हेडलाइट के बल्ब में लगता है होल्डर, उसमें लगेगा, एक ही साइड का लगेगा, एक फ्री रहेगा। और ये जो वायर हमने लेके आए हैं ना, ये बैटरी पॉजिटिव को हमने अटैच किए, क्योंकि ये DRL में देनी है हमें बैटरी पॉजिटिव। ठीक है, ये टेपिंग करके अच्छे से हम इस साइड भी लेके आए। ठीक है, इसके बाद ये निगेटिव है, इसके बाद जो हमारा DRL है उसमें हमें एक पॉजिटिव देनी है, वो ये देनी है। ठीक है, बैटरी से लेके आए, निगेटिव देनी है, निगेटिव उधर ही हम बॉडी को वगैरह अटैच करेंगे। इसके बाद एक जाएगी हमारी पार्किंग लाइट के पॉजिटिव में और एक जाएगी हमारी टर्न सिग्नल के पॉजिटिव में। ये वायरिंग उधर ही हम देंगे जो ओरिजिनल वायरिंग है उसमें। ठीक है, और फिटिंग कर देंगे। अभी देखो अभी एक साइड की जो हेडलाइट थी वो सब फिटिंग वगैरह हो गई है, एक साइड की चल रही है, निकाली है हमने। तो तब तक मैं आपको एक साइड की दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे ओरिजिनल गाड़ी में फंक्शन होते हैं, जिन जिन गाड़ी में ओरिजिनल DRL आता है उसमें क्या होता है, जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा तभी हमारे DRL ये ऑन होते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा बटन नहीं होता, या फिर डायरेक्ट हमारा जो इग्निशन स्विच है उसमें वायर नहीं होती। तो सेम वैसा ही फंक्शन है इसमें, तो फंक्शन दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले गाड़ी चालू करो, ये देखो गाड़ी चालू हो गई, ये देखो हमारी जो DRL है वो भी चालू हो गई। और इसका ब्राइटनेस देखो, ब्राइटनेस इसका काफ़ी अच्छा है, दूर से भी एकदम मस्त दिखाई देती है। ये देखो काफ़ी अच्छा इसका ब्राइटनेस है, ये देखो। और जब गाड़ी का इंजन हम बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड बाद ये बंद हो जाती है। अभी मैं गाड़ी बंद करके दिखाता हूँ आपको, बंद करो, ये देखो बंद हो गई गाड़ी। अभी 15 सेकंड का टाइम आउट होगा, उसके बाद हमारी लाइट है ये ऑटोमेटिकली, या फिर DRL है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अभी इंतज़ार कर रहे हैं 15 सेकंड होने का, ये देखो ये लाइट बंद हो गई। फंक्शन है जब हम इसकी पार्किंग लाइट ऑन करते हैं या फिर हेडलाइट ऑन करते हैं तो फिर ये जो DRL है वो थोड़ा डिम हो जाता है, ये भी एक डिसेंट फीचर है इसमें। अभी मैं पार्किंग लाइट लगा के दिखाता हूँ, पार्किंग लाइट लगाओ, ये देखो जैसे पार्किंग लाइट लगी तो DRL थोड़ी डिम हो गई, बंद करो फिर से लगाओ, ये देखो इसमें फीचर है। जब भी आपकी गाड़ी बंद होती है और सिर्फ आप पार्किंग लाइट ऑन करते हैं, इंजन ऑन नहीं करते, तो भी इसके जो DRL है वो पार्किंग लाइट के साथ ऑन होती है। अभी पार्किंग लाइट ऑन करो, इंजन बंद है गाड़ी का, ये देखो पार्किंग लाइट के साथ भी जो हमारा DRL है वो ऑन हो गया। अभी ये टर्न सिग्नल है वो लगा के दिखाता हूँ, फ्लो वाला एकदम मस्त दिखता है। टर्न सिग्नल ऑन करो ड्राइवर साइड, ये देखो टर्न सिग्नल के साथ कितना प्यारा लगता है और एकदम मस्त दिखता है, एकदम बढ़िया लुक आता है गाड़ी को। ये देखो फ्लो वाला एकदम, और जो इसका कलर है वो भी एकदम अंबर कलर, प्योर अंबर कलर मिलता है आपको। शायद कैमरे में ऑटो करेक्ट हो जाता है लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ एकदम मस्त दिख रहा है। आपको हेडलाइट लगा के चेक करवाता हूँ, हेडलाइट लगा, ये ज़ेनॉन है तो इसमें एक लगभग 10-15 सेकेंड जाते हैं पूरा ये होने में, ब्राइट होने में। फिर भी ये जो है ये फास्ट है एकदम, जो हमारा हमने जो किट डाला ज़ेनॉन का एकदम फास्ट ग्लोइंग है, एकदम फास्ट ये ऑन होता है। तो बाकी सादे वाले जो ज़ेनॉन होते हैं वो इतने फास्ट
वो नहीं करते, ठीक है। इसका ब्राइटनेस आप देख रहे होंगे कितना ब्राइट है ये देखो, एकदम मस्त लाइट मिलती है आपको। और इसमें क्या है, जेनॉन लेंस का एक और ख़ास बात है कि सामने वाली गाड़ी के आँखों में ये चुभता नहीं, इसका पॉइंट पड़ता है एकदम, और एकदम ब्राइट होता है। अभी थोड़ी रात होने दो और दोनों हेडलाइट लग के मैं इसका जो लाइट है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो सबसे बात आती है वो खर्चे की, तो ये जेनॉन के जो दोनों लेंस है पूरा किट है वो 3500 में मिला। इसके बाद जो दोनों DRL है वो कुछ 1200-1300 रुपये में मिले। और इसके बाद इसके जो वोल्टेज आइडेंटिफायर है जो ऑटोमेटिक ऑन होने के लिए वो 150-150-300 रुपये में, लगभग पूरा जो खर्चा है सब पार्ट मिला के 5000 रुपये में ये काम हमारा हो गया। तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उस पर जाके आपको आप चाहिए तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये मैंने अली एक्सप्रेस से परचेस किया है और लगभग 15 दिन में मुझे ये डिलीवर्ड भी हो गया है, कुछ भी कस्टम वगैरह देना नहीं पड़ा मुझे। अभी मैं आपको लो बीम हाई बीम करके दिखाता हूँ। लो बीम हाई बीम ये देखो, लो बीम हाई बीम, शटर भी इसका एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अभी काफ़ी रात हो गई है, अब इसका हम ब्राइटनेस चेक करते हैं। तो मैं ट्रायल लेके आया ऑलरेडी, और ट्रायल लेने के बाद एकदम मस्त बहुत डिफरेंस पड़ता है इसमें। तो जो हेडलाइट की जो मतलब जो लाइट फेंकता है ना, बहुत बहुत मस्त फेंकता है रोड पे। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये धीरे धीरे ब्राइट हो जाएगा, और पॉइंट देखो कैसा है, एकदम मस्त लाइट पड़ती है। और लो बीम हाई बीम दिखाता हूँ, ये देखो ये लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। और लुक भी गाड़ी को एकदम मस्त आ रहा है, और लाइट भी एकदम मस्त हो गया। तो जो हमारा काम है हेडलाइट का एकदम मतलब फर्स्ट क्लास हो गया। तो इस तरह मतलब हमें लाइट मिल रही है, और फॉग लैम्प भी मैंने LED लगाए है, ये देखो ये फॉग लैम्प के LED, वो भी एकदम पावरफुल है, ये देखो कितने पावरफुल है, ठीक है। तो LED में क्या उधर ही लाइट फेंकनी होती है, इसलिए अच्छे फेंकते हैं LED वगैरह। लेकिन ये जो प्रोजेक्टर है सबसे बेस्ट है, मतलब जो LED है हम रिफ्लेक्टर में लगाते हैं या फिर हेलोजन लगाते हैं, सबसे बेस्ट ये लेंस वाले जेनॉन होते हैं। इसलिए जो काफ़ी हाई एंड गाड़ियाँ है उसमें कंपनी पीरियड यही लग के आते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।